नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंडअप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी, पटवारी हड़ताल को लेकर एस्मा राज्य सरकार की तरफ से लागू हो चुका है। पटवारी हड़ताल से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा लगा दिया गया है और अब दूसरे दिन राज्य सरकार की तरफ से एस्मा लगाया जाना, हड़ताल अब अवैध हो चुकी है और अब पटवारियों को फौरन काम पर लौटना होगा। कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़े निर्देश दिए थे। ये कहा गया था कि अगर किसी तरह की परेशानी भुगतान को लेकर सामने आ रही है कर्मचारियों की तरफ से, तो उस पर फौरन कार्रवाई हो। अधिकारियों को भी कहा गया था अगर किसी भी तरह के भत्ते को लेकर परेशानी है तो उस ओर संज्ञान लिया जाए। 20 से ज्यादा दिन हो चुके थे पटवारी की हड़ताल को और पटवारी लगातार अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए थे। कल जैसे ही मुख्यमंत्री की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, ये माना जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से बातचीत के लिए उनको बुलवाया जाएगा, लेकिन अब एस्मा लागू कर दिया गया है। क्योंकि जमीनी स्तर पर भी आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था पटवारियों की गैर मौजूदगी के चलते, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले जहां पर काम ठप पड़े हुए थे, अब पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा लग चुका है और अब ये देखने वाली बात होगी कि पटवारी काम पर वापस लौटते हैं या नहीं, या फिर इस तरह की हड़ताल जारी रहती है। चूंकि अवैध हो चुकी है अब हड़ताल, बहुत जरूरी होगा पटवारियों का वापस कार्यक्षेत्र में लौटना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल ही साफ कर चुके हैं कि अगर किसी तरह की भुगतान की परेशानी आती है तो उसे त्वरित सुधारा जाए, ठीक किया जाए, जिससे सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। और अब पटवारियों की इस हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई थी, माना जा रहा था कि बातचीत के लिए राज्य सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। और छत्तीसगढ़ में आज एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 23 आईएएस अफसरों के तबादले हो चुके हैं, 3 संभागों के आयुक्त बदले गए हैं। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा के आयुक्त बदले जा चुके हैं। यशवंत कुमार रायपुर संभाग के आयुक्त बने हैं, संजय कुमार अलंग बिलासपुर संभाग के आयुक्त बनाए गए हैं, शिखा राजपूत तिवारी सरगुजा संभाग आयुक्त बने हैं। 2 जिलों के कलेक्टर्स भी बदले गए, प्रभात मलिक महासमुंद जिले के नए कलेक्टर होंगे, आकाश शिकारा गरियाबंद जिले के नए कलेक्टर। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे कोरबा की ओर, जहां लापता एंकर सलमा केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोरबा दरी मार्ग पर सलमा के शव को दफनाया गया, इस बारे में कहीं ना कहीं संकेत पाए गए हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए पेड़ भी नजर आया। 4-लेन सड़क बनने के बाद से ही भौगोलिक स्थिति बदली हुई थी और इस वजह से पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा था इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटाना, लेकिन सही जानकारी मिलने के बाद ही यहां पर खुदाई की जाएगी, ये भी बताया गया। 2018 में न्यूज एंकर सलमा लापता हुई थी और उसके बाद अब इस जांच को लेकर नया मोड़, पुलिस के हाथ एक और सुराग लगा है। सैटेलाइट इमेज के जरिए पेड़ देखा गया है, यह भी देखा गया है कि भौगोलिक स्थिति बदली और इसी वजह से परेशानी उस स्थल को ढूंढने में आ रही थी जहां पर शव को दफनाया होने की आशंका है। और जशपुर में पिछले 7 साल से अधूरी पड़ी हर्रा पाट से सोनक्यारी तक की 9 किलोमीटर की सड़क जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए 11 करोड़ की राशि की मंजूरी भी दी जा चुकी है और जल्द ही ये बहुप्रतीक्षित सड़क बनने वाली है। इसके बाद मनोरा और बगीचा विकासखंड के लोगों को रोजाना धूल झेलने से आजादी मिल पाएगी। जशपुर विधायक विनय भगत ने इस बहुप्रतीक्षित सड़क का भूमि पूजन किया है। मैं यहाँ का सरपंच हूँ और यहाँ रोड के लिए बहुत परेशान थे, अभी भैया आए हैं तो बनवा दे रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। कैसे परेशानी होती थी आपको? धूल से बहुत परेशान थे, आवागमन में भी दिक्कत होती थी। हाँ, बहुत दिक्कत होती थी, आने जाने में भी बहुत परेशानी थे। देखिए, यहाँ स्वीकृति जो मिली है 9.5 किलोमीटर की पूरी स्वीकृति मिली है और लागत 11,49,37,000 रुपया का ये रोड बनेगा, बहुत सुंदर रोड बनेगा। छत्तीसगढ़ सरकार जहां गांव के आधारभूत संरचना को लेकर कटिबद्ध है, तो वहीं लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते विकास के काम अड़ंगा लगाए जा रहे हैं इन कामों में। ताजा मामला मनेतगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बेलका मार्ग का है। 6 करोड़ रुपए से अधिक राशि से सड़क और पुलिया का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस निर्माण की गुणवत्ता का अंदाजा यहां इस तस्वीर के जरिए आप लगा सकते हैं। सड़कों को देखिए, किस तरह से रेत की तरह छूने पर हाथ में आ जाती है।
पुलिया निर्माण में गुणवत्ता विहीन मटेरियल का उपयोग देकर ग्रामीणों ने भी इसकी शिकायत जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह से की है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने खुद मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद इसकी शिकायत पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू से की गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू तक शिकायत होने के बाद मामले में क्या और कब तक कार्रवाई होती है। भूसकी डाण और बेलकामार में जो बेलकामार से जो भूसकी डाण तक जो रोड जा रहा है वो बहुत ही गुणवत्ता विहीन है और मैं इसका हमेशा बीच बीच में आते रहती हूँ और इसकी शिकायत भी कलेक्टर सर से भी की हूँ और एसडीओ को मैं अपने सामान्य सभा के बैठक में भी बोली तो एसडीओ सर का जवाब था कि हमारे पास उतना वित्त नहीं है और ऐसा बनाने का हमको आदेश मिला है। पूरा ध्यान देता है। अभी एक सड़क की बात आई थी, मैंने अपने अधिकारी से पूछा, पहले से निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत है तो पूरा सड़क बंद करा दो और नए सिरे से उसको उखाड़ के चलाओ। पूरा का पूरा सड़क एकदम उखड़ता जा रहा है। पर पूरा सख्त आदेश है, काम बंद करा दिया गया है। मेरे अधिकारी ने मुझे अभी बैठक में जानकारी दी, अब उसको जांच करके कार्रवाई करने के लिए। इधर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में इन दिनों रेलवे पार्किंग से गाड़ियों की हो रही लगातार चोरी को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राजनीतिक दल जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने सहायक मंडल इंजीनियर डोंगरगढ़ के कार्यालय पहुंचकर इस दौरान पुंगी बजाकर रेलवे प्रशासन को जगाने की भी कोशिश की और साथ ही चोरी की घटनाओं को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए अधिकारियों से मिलना भी चाहा। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की सूचना दे दी गई थी और उसके बाद भी उनका ज्ञापन लेने के लिए कोई जिम्मेदार वहां पर नहीं पहुंचा। इसके बाद लोगों ने रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया। रेलवे परिसर से गाड़ियां चोरी हो रही है जिसमें ना ही इनके यहाँ के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना ही इनके पुलिस ध्यान दे रही है। लगातार चोरी की शिकायत मिल रही है। हमारा कहना यह है कि आप पार्किंग को बंद कर दो या फिर पार्किंग को कोई एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ पे बताया जाए जैसे पहले आप लोग द्वारा किया जाता था और पार्किंग सुचारू रूप से चलाया जाए, आम जनता उसका जो भी किराया देने के तैयार है। इधर गरियाबंद के देवभाग में अस्पताल में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। दो अलग अलग मामलों में जच्चा और बच्चा के इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको यह भी बताएं कि यहां राजनांदगांव के राकेश ने अपनी पत्नी को देवभोग अस्पताल में भर्ती करवाया था, एक एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलने की वजह से देरी हुई, राकेश के बच्चे की मौत हो गई। और झाकरपारा में ही रहने वाले दिनेश विश्वकर्मा की पत्नी के प्रसव के दौरान उनके बच्चे के नाल काटने में लापरवाही हुई, इसके चलते प्रसूता की तबीयत बिगड़ी, उसकी मौत हो गई। आज झाकरपारा में जनसमस्या निवारण शिविर में मामले की शिकायत भी की गई। मामले का खुलासा हुआ तो एसडीएम अर्पिता पाठक ने देर रात अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच करने के निर्देश दिए। इधर मुंगेली के लोरमी में मनियारी नदी में डूबने से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के बाद रवेली गांव में मातम पसरा हुआ है। आपको बताया कि 8 साल के दो चचेरे भाई बहन जो कि नदी पर नहाने के लिए गए थे, दोनों बच्चे नहाते नहाते पानी में डूब गए। डूबते देखकर उनको एक महिला रिश्तेदार ने बचाने की कोशिश भी की लेकिन वो खुद भी बच्चों के साथ डूबने लगी। इन तीनों को आसपास मौजूद लोगों ने बाहर निकाला, एम्बुलेंस की मदद से लोरमी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने दोनों बच्चों और महिला को मृत घोषित कर दिया है। मामले के बाद लोरमी पुलिस अब जाँच में जुटी हुई है। उसमें घटना में आराध्य कश्यप लड़की का नाम है, अक्षत कश्यप लड़की का नाम है, दोनों की उम्र 8 वर्ष बताई जा रही है और शकुंतला कश्यप महिला का नाम है जिसकी उम्र 38 वर्ष बताई गई है। ये लोग नहाने गए थे मनियारी नदी में और उसके बाद फिर वहाँ पे ये डूबने लगे तो इनको बचा के लाए गए हॉस्पिटल, जहाँ पे इनका इलाज दौरान बता रहे हैं कि ब्रॉडबैंड थे, मृत्यु इनकी पहले ही हो चुकी थी डूबने के कारण। अभी तक प्राइमरी फेस से इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली। और सर कांकेर में नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया। सड़क निर्माण में लगी करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आग लगा दी। कोपिनगुड़ा गांव के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण चल रहा था और नक्सलियों ने तांडव मचाते हुए दो ट्रैक्टर्स, दो ट्रक, पोकलेन मशीन और रोड रोलर को आग के हवाले कर दिया है। नक्सलियों के तांडव से सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार और मजदूरों में भी डर का माहौल है। नक्सल वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। हमारे पास सूचना आई थी कल नक्सलियों ने छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में कोटरी नदी के आगे कोपिनगुंडा गांव में जो कि मार्ग क्षेत्र में पड़ता है उसमें PMGSY का रोड का काम चल रहा था जिसमें 6 गाड़ियों को आगजनी की घटना हुई है, जिसके लिए हमारे द्वारा विशेष नक्सल अभियान चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द इसमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्या अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? अज्ञात नक्सलों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम कार्रवाई जारी है।
और उधर राजनांदगांव की चिखली पुलिस ने लूट गैंग के चार आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। लुटेरों ने 24 मई को 9,60,000 रुपए की घटना को अंजाम दिया था, चोरी की घटना थी। मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई और लंबी जांच के बाद पुलिस ने चार लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 3,02,000 रुपए और एक बाइक जब्त की गई है। फिलहाल इधर धमतरी में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। शातिर आरोपियों ने एक युवक से 5,80,000 रुपए ठग लिए। युवक को पशु चिकित्सा विभाग बिलासपुर में सहायक ग्रेड 3 में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया। झांसे में आए युवक को जब ठगी का पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने जांच कर मामले के चारों आरोपियों को धर दबोचा। दो अभी भी फरार है, तलाश जारी है। और बात राजनांदगांव की करेंगे, जहां के जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। मरीजों को एक्सरे तक की सुविधा यहां पर नहीं मिल पा रही है क्योंकि अस्पताल में एक्सरे की मशीन खराब पड़ी है। ऐसे में लोगों को निजी सेंटर्स में एक्सरे करवाकर 3 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। मामले में अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि मशीन बहुत पुरानी होने की वजह से खराब हो गई है। नई मशीन के लिए प्रशासन को लिखा गया है, जल्द ही नई मशीन भी मिल जाएगी। जी निश्चित रूप से, जिस प्रकार से मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, यहाँ पे जिला अस्पताल में जो डिजिटल एक्सरे मशीन है और नॉर्मल एक्सरे मशीन है पिछले 20 दिनों से ख़राब है। वहीं जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अब उनको कहीं ना कहीं निजी अस्पतालों की तरफ या निजी डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ रुख करना पड़ रहा है और अधिक पैसे दे करके एक्सरे करवाना पड़ रहा है। मशीनें बहुत पुरानी हो गई है, मेडिकल कॉलेज के समय की थी, तो एक्सरे तो करीब यहाँ 100 से एक्सरे ज़्यादा हो जाते थे और ये मशीन एक्सरे जो है वो लगभग 9.5 साल पुरानी भी हो गई है। 10 साल में इनकी लाइफ पूरी हो जाती है। इधर कवर्धा के वनांचल में एक कच्चे मकान में भीषण आग लग गई और आग लगने से घर का पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया। सिंघनपुर गांव में इस घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आग लगने से घर का सामान, जैसे सामान में कपड़े और नकदी भी शामिल है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। और कवर्धा में नगर पालिका की तरफ से लापरवाही हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आंधी तूफान आने के बाद भी सड़कों पर धूल जमा हो गई। धूल के गुब्बारे की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लाखों रुपए की लागत से स्वीपिंग मशीन धूल चाट रही है और मशीन का सही इस्तेमाल नहीं होने की वजह से मशीन कबाड़ में तब्दील हो गई। नगर पालिका में निरंतर रोड और अंदर गलियों को भी प्रतिदिन झाड़ू लगाया जाता है, लेकिन वो मटेरियल आप जो बता रहे हैं, आपके माध्यम से संज्ञान में आए हैं, वो मटेरियल लाते ले जाते हैं निर्माण के लिए, तो वो गिरा होगा, तो अगर कोई एक निश्चित स्थान बताते हैं तो उसको जरूर सफाई करा। और अब कांकेर की चर्चा करेंगे, जहां भालू की दहशत अब भी बरकरार है। आए दिन भालू शहर के मुख्य मार्गों पर नजर आ जाते हैं और तो और अब भालू दिन दहाड़े भी लोगों को नजर आने लगे हैं। लोगों में डर का माहौल है, तस्वीरें आप देखिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग की टीम को सूचित किया जाता है पर भालू को खदेड़ने के बावजूद वापस आ जाते हैं। हालांकि वर्तमान में भालू ने किसी पर हमला नहीं किया है, इससे पहले भालू के हमले में कई लोग घायल लेकिन हो चुके हैं। इस वजह से गांव में डर का माहौल है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांकेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भालू के दहशत से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि भालू की आमद की वजह से यहां पर लोगों में भी डर का माहौल, वन विभाग को सूचित करने के बावजूद यहां पर भालू रहवासी क्षेत्रों की ओर वापस लौट आते हैं। डाल डाल पर फुदकता लंगूर परेशान है, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। जिससे एक लंगूर के आने से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है, वो खुद बेबस है। बेबसी है एक लोटे के कारण जो उसके सिर में फंसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, लोटा इस कदर फंसा है कि लंगूर उसे खुद निकाल पाने में असमर्थ दिखा। नतीजा यह कि अंदाजे में वो कभी पेड़ पर चढ़ जाता, कभी जमीन पर शांत बैठता हुआ नजर आया। भला कैसे ना देखे इस तरह की परेशानी, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जाए तो किधर जाए, ये परेशानी थी। लंगूर की बेचैनी जब देखी ना गई तो गांव के लोग भी सामने आए। वन अमला यहां पर पहुंचा, बमुश्किल करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद लोटे को लंगूर के सिर से अलग किया गया। लोटा निकला तो लंगूर भी कह रहा होगा कि चलो अब जान में जाना है। Thank you.
इधर कांकेर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह, जब कांकेर यहां पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, जिले के अधिकारियों की बैठक भी ले रहे हैं, अपने मंत्रालय के काम की समीक्षा भी कर रहे हैं। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज ही कांकेर पहुंचे हैं, 3 दिनों तक सिलसिलेवार दौरा होगा, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक का आयोजन, विभाग की समीक्षा की है, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की समीक्षा, अपने मंत्रालय के काम की भी समीक्षा करें। और भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सीएम शिवराज की मंत्री के साथ बैठक होने जा रही है, मंत्रियों का सीएम हाउस में पहुंचने का सिलसिला बढ़ता हुआ, लाडली बहना योजना को लेकर मंत्रियों से वन टू वन चर्चा होनी है, 10 जून को लाडली बहनों के खाते में पैसे डाले जाने और मंत्रियों के कामकाज का भी फीडबैक आज मुख्यमंत्री बैठक में लेंगे। भोपाल से बड़ी जानकारी, लाडली बहना योजना के मद्देनजर ही ये बैठक बुलाई गई है, इस बारे में अंदेशा है। और इसलिए कन्यादान योजना आई, लाडली लक्ष्मी योजना आई, लाडली बहना योजना है, और पूरे प्रदेश में हमारी बहनों के अंदर उत्साह का वातावरण, उमंग का वातावरण है। मैं अधिकांश गांव होके भी आया हूँ, उसकी विस्तार से समीक्षा है, चूंकि 10 तारीख को जबलपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें राशि डालने वाले हैं, तो ये राशि अभी हमने चेक भी कर लिए हैं सभी के खाते, और 1-1 रुपया डाल के प्रयोग भी हुआ है अलग अलग जगह पर, और इसलिए उस बैठक की विस्तार से चर्चा है। इधर खंडवा के ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है, 4 श्रद्धालु नर्मदा नदी के गौमुख घाट पर नहाने गए थे, तभी डूबने लगे, लोगों के शोर मचाने पर नाविकों ने उन्हें डूबने से बचाया, सभी श्रद्धालु गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, खंडवा के ओंकारेश्वर की तस्वीरें हैं, जैसे ही नहाने के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंचे डूबने लगे, अचानक से नाविकों को शोर बताया गया तो नाविकों ने खुद पानी में कूदकर इन 4 श्रद्धालुओं की जान बचाई। ये तस्वीरें खंडवा की जो कि अब चर्चा का विषय बनी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से 4 श्रद्धालु डूबते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, नर्मदा नदी में श्रद्धालु डुबकी मारने के लिए गए लेकिन अचानक से पैर फिसला और डूबने लगे, नाविक वहां पर मौजूद थे, राहत भरी बात यही कि 4 को समय रहते बचा लिया गया, डूबने से बचाया है नाविकों ने, गौमुख घाट पर 4 श्रद्धालु नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे, डूब रहे लोगों का रेस्क्यू किया गया, काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर जमा हो गए, नाविकों की तरफ से ये सराहनीय कार्य, 4 श्रद्धालुओं को डूबने से बचाया। और इस बीच उज्जैन से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 4 साल की मासूम बच्ची की लाश पाई गई है, नाले में बोरे के अंदर बच्ची की लाश मिली है, शव को अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची है, एएसपी आकाश भूरिया का बयान इसे लेकर, संदेह के आधार पर बोरे की तलाशी ली गई थी और बोरे से मासूम बच्ची का शव पाया गया, चिमनगंज थाना इलाके की पूरी घटना, कल घर के बाहर खेलते हुए ये बच्ची गायब हो गई थी और अब बोरे में इस मासूम बच्ची की लाश पाई गई। तो जैसे ही बड़ी जानकारी, एसपी आकाश भूरिया की तरफ से बयान भी से लेकर सामने आया, उनके तरफ से कहा गया कि संदेह के आधार पर ही बोरे की तलाशी ली जा रही थी, कल ये बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और उसी दौरान से लापता बताई गई, ये साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल जब सीसीटीवी कैमरे में बच्ची खेलती हुई देखी गई। चिमनगंज में एक बच्ची के घूमने की जो सूचना मिली थी जिस पर से तत्काल पुलिस ने अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध किया था, सारी टीमें हमारी निरंतर उस पर काम कर रही थी, बच्ची को ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, आज शाम को हमारे डायल 100 के एक सिपाही को वाल्मीकि धाम के आश्रम पे जाते हुए जो एक नाला है वहाँ पर एक बोरे में कुछ होने का अंदेशा लगा, जिसको उसने विधिवत रूप से जब देखा और ऊपर से बोरे को खोल करके देखा तो उसमें छोटी बच्ची की लाश थी, जिसपे तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारी पूरी टीमें स्पॉट पे पहुंची और वहां जाकर के उसकी शिनाख्त की। और चाहिए अजय इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, अजय अपडेट चाहेंगे विस्तार से। जी देखिए, ये टिमनगंज थाना क्षेत्र का मामला है और कल जो बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी उसी दौरान जो है बच्ची जो है घर से गायब हो गई थी, इसके बाद उसकी माँ ने उसको ढूंढने का प्रयास किया था लेकिन बच्ची नहीं मिल पाई थी, तो 18 घंटे बाद पुलिस ने इस पर मामला दर्ज किया था, पुलिस
बच्ची की तलाश करी रही थी कि शाम को अचानक टायल हंडेट की गाड़ी जो है वाल्मीकि धाम के पास से गुजर रही थी, उसी दौरान नाले के पास में जो है सिपाही की नजर पड़ी कि बोरे में कुछ है। उसके बाद उन्होंने ये जाकर बोरे को खोल के देखा तो उसमें बालिका की जो है लाश थी, उसके अंदर तत्काल जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और सभी ने जो है बालिका का पंचनामा बनाकर जो है मौके जो है पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। अब फिलहाल जो है सुबह ही जो है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद जो है खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार जो बच्ची है इसके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है। अभी फिलहाल पुलिस जो है अब जो है सख्ती से जो है पूरे जांच में जुट गई है, क्योंकि अब मामला जो है बढ़ चुका है और इसमें पुलिस के लिए भी चैलेंज है कि आखिरकार किसने घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जय जानकारी के लिए। इधर बिलासपुर में शराबी पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से 11 बार हमला कर उसकी हत्या करने की कोशिश की है। शराबी पति ने पत्नी की गर्दन पर 11 बार वार किए। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्नी पर जानलेवा हमला करने के बाद आरोपी पति वहां से फरार हो गया। सरकंडा के बंधवा पारा क्षेत्र में पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 23 आईएएस अफसरों के तबादले, 2 जिलों के बदले गए कलेक्टर। पटवारियों की हड़ताल पर लगा एस्मा, दूसरे दिन राज्य सरकार ने लगाया एस्मा, इसमें लगने के बाद पटवारियों की हड़ताल अवैध, कल ही मुख्यमंत्री ने दिए थे कड़े निर्देश। लापता एंकर शर्मा केस में बड़ा खुलासा, दरी मार्ग पर दफनाया गया था शख्स, सेटेलाइट इमेज में नजर आया पेड़, सही जानकारी मिलने के बाद हो सकती है खुदाई। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा चिप वाला नोट कहां है, बताएं कितने बढ़े डीजल पेट्रोल और गैस के दाम। ईडीआईटी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा लोकसभा चुनाव तक रुकेंगे ईडी के अधिकारी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।